Now, may we request Right Honorable Prime Minister of Republic of India, Sri Narendra Modi, to address this program. Priya Sabha ka pramukh atithi, Bharat ka sammananiya Pradhanmantri, Sri Narendra Modi ji ko sambodhan ko karyakram cha. Wahalai sambodhan ka lagi swagat cha. छिमेकी र मित्र राष्ट्र नेपाल का महामहिम विदेश मंत्री श्रीमान प्रदीप कुमार ग्यालाली जी, प्रोविंस नंबर 3 का सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री डोरनाथ पौडेल जी, काठमांडू का महामहिम मेयर श्रीमान विद्या सुंदर शाक्यजू, उपस्थित सबै सम्माननीय विदुषी र महानुभावहरु, तपाईहरु सबैलाई मेरो विनम्र नमस्कार। काठमाडौंको यस राष्ट्रिय सभागृहमा उपस्थित तपाईहरु सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन पनि गर्दछु। कृपया स्वीकार गर्नु होला। साक्य जी, आपने और आपके साथियों ने काठमांडू कि महानगरपालिका ने मेरे लिए इस स्वागत समारोह का आयोजन किया है। मैं इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे भारत का सम्मान है। मैं ही नहीं, 125 करोड़ भारतीय भी कृतज्ञ है। काठमांडू से और नेपाल से हर भारतीय का एक अपनापन का नाता है और ये सौभाग्य मुझे भी मिला है। जब मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं जब भी नेपाल आता हूं तो मुझे शांति और आत्मीयता की अनुभूति होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप सभी का प्यार, आपका स्नेह, आपका गर्मजोशी भरा स्वागत, सत्कार और सम्मान। कल मैं जनकपुर में था। आज के युग को एक बहुत बड़ा संदेश जनकपुर देता है कि राजा जनक की क्या विशेषता थी। उन्होंने शस्त्र को तुड़वा दिया और स्नेह से जुड़वा दिया। ये ऐसी धरती है जो शस्त्र को तोड़ करके स्नेह से जोड़ती है। साथियों, जब भी मैं काठमांडू के बारे में सोचता हूं तो जो छवि उभरती है वह सिर्फ एक शहर की नहीं है, वह छवि सिर्फ एक भौगोलिक घाटी की नहीं है। काठमांडू हमारे पड़ोसी और अभिन्न मित्र नेपाल की राजधानी ही है, इतना नहीं है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के देश की राजधानी ही नहीं है, एवरेस्ट पर्वत के देश की, लीली गुराज के देश की सिर्फ राजधानी नहीं है। काठमांडू अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया और इस दुनिया का इतिहास उतना ही पुराना, उतना ही भव्य और उतना ही विशाल है जितना हिमालय है।
मुझे काठमांडू ने, नेपाल ने हमेशा ही आकर्षित किया है, क्योंकि यह शहर जितना गहन है उतना ही गतिमान भी है। हिमालय की गोद में बसा यह एक अनमोल रत्न है। काठमांडू सिर्फ कास्ट यानी लकड़ी का मंडप नहीं है, यह हमारी साझा संस्कृति और विरासत का एक दिव्य भव्य महल है। इस शहर की विविधता में नेपाल की महान विरासत और उसके बड़े दिल की एक झलक महसूस होती है। नागार्जुन के जंगल हो या शिवपुरी की पहाड़ियां, सैकड़ों झरनों और जलधाराओं की शीतलता हो या फिर बागमती का उद्गम, हजारों मंदिरों, मंजूश्री की गुफाओं और बौद्ध विहारों का यह शहर दुनिया में अपने आप में अनूठा है। इमारतों की छत से एक तरफ धौलागिरी और अन्नपूर्णा और दूसरी तरफ सागर माथा, जो दुनिया जिसे एवरेस्ट के नाम से जानती है, और कंचनगंगा, ऐसे दर्शन कहां संभव है? अगर संभव है सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में। बसंतपुर की वानगी, पाटन की प्रतिष्ठा, भक्तपुर की भव्यता, कीर्तिपुर की कला और ललितपुर का लालित्य, काठमांडू ने अपने आप में जैसे इंद्रधनुष के सभी रंगों को अपने अंदर समेट के रखा है। यहां की हवा में बहुत सी परंपराएं ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे चंदन में रोली। पशुपतिनाथ में प्रार्थनारत भक्तों की भीड़, स्वयंभू की सीढ़ियों पर आध्यात्म की चहलकदमी, बौद्धा में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के पग पग पर ओम मणि पद्मे अहम्, इसकी गूंज ऐसा लगता है जैसे तारों पर सरगम के सारे सुर गले मिले हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ त्यौहार जैसे नेवारी समुदाय के त्यौहार तो ऐसे भी हैं जिनमें बौद्ध और हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं का अभूतपूर्व संगम है। परंपरा और संस्कृति ने काठमांडू की हस्तकला और कलाकारों को बेजोड़ बनाया है। चाहे वह हाथ से बना कागज हो या तारा और बुद्ध जैसी मूर्तियां, भक्तपुर की मिट्टी से बने बर्तन हो या पाटन में पत्थर, लकड़ी और धातु का काम हो, नेपाल की बेजोड़ कला और कलाकारी का महाकुंभ है, और महाकुंभ है काठमांडू। और मुझे खुशी है कि यहां की युवा पीढ़ी इस परंपरा को भली भांति निभा रही है और इसमें युगानुकूल परिवर्तन करके कुछ नयापन भी मिला रही है। साथियों, नेपाल की मेरी अब तक की दो यात्राओं में मुझे पशुपतिनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला था।
इस यात्रा में मुझे भगवान पशुपतिनाथ के अलावा पवित्र जनकपुर धाम और मुक्तिनाथ तीनों पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने का सुअवसर मिला। ये तीनों स्थान सिर्फ महत्वपूर्ण तीर्थस्थल ही नहीं है, ये भारत और नेपाल के अडिग और अटूट संबंधों का हिमालय है। आगे जब भी नेपाल यात्रा का अवसर बनेगा, मैं समय निकालकर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाने का कार्यक्रम भी अवश्य बनाऊंगा। साथियों, शांति प्रकृति के साथ संतुलन और आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों से परिपूर्ण हमारे दोनों देशों के वैल्यू सिस्टम ये पूरी मानव जाति की, पूरे विश्व की एक अनमोल धरोहर है। और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी दुनिया से लोग शांति की खोज में भारत और नेपाल की ओर खींचे चले आते हैं। कोई बनारस जाता है तो कोई बोध गया, कोई हिमालय की गोद में जाकर रहता है तो कोई बुद्ध के विहारों में। साधना एक ही है, खोज एक ही है। आधुनिक जीवन की बेचैनियों का समाधान भारत और नेपाल के साझे मूल्यों में मिलेगा। साथियों, बागमती के तट पर काठमांडू में पशुपतिनाथ और गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ, बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, तपस्थली बोधगया और संदेश क्षेत्र सारनाथ। साथियों, हम सभी हजारों वर्षों की साझी विरासत के धनी हैं। हमारी यह साझा विरासत दोनों देशों की युवा पीढ़ी की संपत्ति है। इसमें उनके अतीत की जड़ें, वर्तमान के बीज और भविष्य के अंकुर है। साथियों, पूरे विश्व में आज अनेक प्रकार के परिवर्तनों का दौर चल रहा है। वैश्विक वातावरण अनेक अस्थिरताओं और अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। साथियों, हजारों साल से वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, यह भारत का दर्शन रहा है। सबका साथ सबका विकास, हम अपने विदेश सहयोग पर भी उतनी ही पवित्रता से आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय शास्त्रों में प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सब प्रसन्न हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, किसी को दुख ना मिले। भारत के मनुष्यों ने हमेशा से यही सपना देखा है। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमारी विदेश नीति सबको साथ लेकर चलने पर आधारित है। खासतौर पर पड़ोस में भारत के अनुभव और भारत के अवसरों को साझा करते हैं। नेबरहुड फर्स्ट हमारी संस्कृति में सिर्फ विदेश नीति ही नहीं, जीवन शैली है। बहुत से उदाहरण हैं। स्वयं विकासशील होते हुए भी भारत 50 साल से भी अधिक समय से इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 160 से अधिक देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सहयोग
और उन देशों की जरूरत के अनुसार सहयोग हम करते आए हैं। पिछले साल भारत ने एक साउथ एशिया उपग्रह छोड़ा, इससे हमारी अंतरिक्ष क्षमताओं के सुपरिणाम हमारे पड़ोसी देशों को उपहार स्वरूप उपलब्ध हो रहे हैं। और इसी सभा मंच में जब सार्क समिट के लिए मैं आया था तो मैंने इसी मंच से इस बात की घोषणा की थी। इसके साथ ही हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे कोई भी देश अकेला नहीं निपट सकता, उनका सामना करने के लिए हम किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का विकास करें। उदाहरण के तौर पर 2016 में भारत और फ्रांस ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में एक नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की। यह क्रांतिकारी कदम अब एक सफल प्रयोग में बदल गया है। इस वर्ष मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान मैक्रो और करीब 50 अन्य देशों के नेताओं ने दिल्ली में इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पहले समिट में भाग लिया। ऐसे प्रयासों से क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक साझेदारियां विकसित करने में, छोटे विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने में मुझे विश्वास है बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, जब भारतीय नेपाल की ओर देखते हैं तो हमें नेपाल को देखकर, यहां के माहौल को देखकर बहुत खुशी होती है। नेपाल में माहौल है आशा का, उज्जवल भविष्य की कामना का, लोकतंत्र की मजबूती का, और समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के विजन का। और इस माहौल को बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। 2015 के भूकंप की भयावह त्रासदी के बाद नेपाल और विशेष रूप से काठमांडू के लोगों ने जिस धैर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया है वह पूरे विश्व में एक मिसाल है। यह आपके समाज की दृढ़ निष्ठा और कर्मठता का प्रमाण है कि इतने कम समय में आपदा से निपटते हुए भी नेपाल में एक नई व्यवस्था का निर्माण हुआ है। भूकंप के बाद सिर्फ इमारतों का ही नहीं, देश और समाज का भी एक प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ है। आज नेपाल में फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल तीनों स्तर पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं और तीनों स्तरों के चुनाव एक साल के अंदर अंदर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। ये शक्ति आप सबके अंदर अंतर्निहित है और इसलिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, नेपाल ने युद्ध से बुद्ध का बहुत लंबा सफर तय किया है। बुलेट का बोलबाला था, बुलेट को छोड़ करके बैलेट के रास्ते को चुना है। युद्ध से बुद्ध की ये यात्रा है, लेकिन मंजिल अभी और दूर है।
बहुत आगे तक जाना है। एक प्रकार से कहूं तो अब हम माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप पहुंच गए हैं, लेकिन शिखर की चढ़ाई अभी हमें तय करना है। और जिस प्रकार पर्वतारोहियों को नेपाल के शेरपाओं का मजबूत साथ और समर्थन मिलता है, उसी प्रकार नेपाल की इस विकास यात्रा में भारत आपके लिए शेरपा का काम करने के लिए तैयार है। पिछले महीने प्रधानमंत्री श्रीमान ओली जी की भारत यात्रा में और कल और आज की मेरी नेपाल यात्रा में मेरा यही संदेश है, मेरी यही भावना मैंने अलग अलग शब्दों में व्यक्त की है। नेपाल अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़े, ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। नेपाल अपनी प्राथमिकता और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़े। आपकी सफलता के लिए भारत हमेशा नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आपकी सफलता में ही भारत की सफलता है, नेपाल की खुशी में ही भारत की खुशी है। काम चाहे वो रेलवे लाइंस का हो या सड़क निर्माण का हो, हाइड्रो पावर का हो या ट्रांसमिशन लाइंस का हो, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का हो या ऑयल पाइपलाइन का हो, या फिर भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और लोगों के बीच पीपल टू पीपल मजबूत संबंधों को और भी ताकत देने का काम हो, आपकी हर आवश्यकता में हम साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमने काठमांडू को भारत से रेल द्वारा जोड़ने के प्रोजेक्ट के डीपीआर का काम करना शुरू कर दिया है और अब तो शायद यहां नेपाल में कितनी इसकी चर्चा है मुझे मालूम नहीं है। इन दिनों भारत में आईपीएल के क्रिकेट मैच चल रहे हैं और नेपाल भी अब आईपीएल में जुड़ गया है। इस यात्रा में हाल ही की बहुत सी पहलों से आप परिचित हैं। मुझे बताया गया है कि पहली बार नेपाल का एक नौजवान खिलाड़ी संदीप लमिछा ने आईपीएल में भाग ले रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में क्रिकेट ही नहीं अन्य खेलों के माध्यम से भी हमारे पीपल टू पीपल संबंध मजबूत होते रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर काठमांडू मेयर श्रीमान शाक्य जी का, काठमांडू एडमिनिस्ट्रेशन का, नेपाल की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का और आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हृदय का वही भाव है जो आपके दिलों में है, वही मेरे दिल में है, जो हर नेपाली के दिल में है वही हर हिंदुस्तानी के दिल में है, और वो यही है नेपाल भारत मैत्री अमर रहोस, नेपाल भारत मैत्री अमर रहोस, नेपाल भारत मैत्री अमर रहोस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, Right Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. We hope that your words in this very special program at Kathmandu will add more value and the closer relation between our countries and countrymen.